हेलो फ्रेंड्स जय हिंद स्वागत आपका आपके अपने होम ट्यूशन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अब आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है बस एक दिन बीच में है और आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट चल रहा होगा कि कितना स्कोर करने पर मेरी नौकरी यहाँ पे पक्की हो सकती है किस प्रकार का पेपर आ सकता है कितना स्कोर मुझे टारगेट रखना चाहिए दिमाग में क्या मेरे को 80 स्कोर करना पड़ेगा अस्सी क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे 90 करने पड़ेंगे तो बहुत सारे कमेंट और बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा हमारे पास कमेंट आए बच्चों ने डाउट पूछा तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार का लेवल आपको मिल सकता है पेपर में और कितना स्कोर अगर आप कर लेंगे तो हरियाणा पुलिस की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली आपके हाथों से तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी आ रहा था कि क्या सर इसका रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा या ज्वाइनिंग इसकी जो 31 अगस्त तक की बात हो रही थी क्या उस तक पॉसिबल है मिलना या इसके पीछे कोई और सच्चाई है तो सभी बातों तो पे हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा चैनल पे नए हैं चल को सब्सक्राइब कर कीजिए बैरागन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाइए वहां पर सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल तो आपको वहां पर लेटेस्ट जैसे पीडीएफ अगर आती है कोई रिजल्ट आता है कोई नोटिस आता है तो वहां पर हम डालते रहते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा तो सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट 25 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है अच्छे से रिलैक्स माइंड से आपको एग्जाम देना है ये नहीं सोचना कि मैंने तीन दिन तैयारी की है कि चार दिन करी है कि महीने करी है यह सारी चीजें दरी की देरी रह जाती हैं जिस दिन आपका फाइनल होता है उस दिन आपको परफॉर्मेंस देना होता है दोस्तों जैसे क्रिकेट में होता है कि जिस दिन आपका फाइनल मैच है उस दिन आपका दिन कैसा है उस दिन आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो वही डिसाइड करता है कि आपका आने वाला रिजल्ट क्या होगा उससे पहले आपने क्या प्रैक्टिस की है क्या नहीं की है कोई मायने नहीं रखता दोस्तों जब आपका दिन होता है उस दिन आपकी परफॉर्मेंस निकलना जरूरी होता है इतना आपके अंदर मादा होना चाहिए कि जब समय का चक्कर घूमने के लिए तैयार हो तो आपके अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए कि क्या आप उस चक्कर को घुमा सकते हो अपनी तरफ लेके आ सकते हो क्योंकि दोस्तों अच्छा समय जो है आता नहीं है अपने आप उसको लाना पड़ता है मेहनत के दम पे तो सभी को एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट आइए बात करते हैं जो विषय है सबसे पहली बात दोस्तों यहां पे जो रोक की बात है रिजल्ट की ज्वाइनिंग की रिजल्ट पर जो रोक है वो एक सच है दोस्तों यहां पे बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी और ये भी सच है कि भैया जो अठावन की वैकेंसी आई थी छप्पन सो अठावन नई वैकेंसी हरियाणा पुलिस की जो जिस दिन आचार संहिता लगी थी उसी दिन आपको पता है कि तीन चार नोटिफिकेशन आए थे हरियाणा की तरफ से एस की तरफ से तो उनके बारे में बोला था कि इनकी तो प्रक्रिया ही रोक दो ठीक है दूसरा ये है दोस्तों यहां पे एक लाइन चली हुई ये देखिए दोस्तों आपको बताया कि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि जो बर्तियां प्रोसेस में चली हुई है ना जैसे हरियाणा पुलिस है ग्रुप छप्पन सत्तावन है आपका जेई वाला है टीजीटी वगैरह है इनके बारे में पहले चुनाव आयोग ने पहले बोल दिया था कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है परमिशन लेने की आप इनको करवा लीजिए रिजल्ट भी निकाल दीजिए इनकी नियुक्ति भी करवा दीजिए ठीक है दोस्तों लेकिन यहां पर देखिए आदर्श आचार संहिता से पहले चल रही थी प्रक्रिया मगर अब रिजल्ट घोषित न करने के लिए कहा दोस्तों यानी पहले तो इन्होंने बोला कि भैया आप इनका रिजल्ट निकाल दो नियुक्ति दे दो लेकिन अब इनको मतलब एच को बोला है एचएससी नहीं खाली जो आयोग जैसे आपका एचपीएससी है एचएससी है उन दोनों को ही बोला है जैसे यूपीएससी राजस्व की इनको बोला है कि भैया आप रिजल्ट जारी मत कीजिए पहले इन्होंने बोला कि रिजल्ट जारी कर दीजिए अब ये कह रहे हैं कि भैया रिजल्ट ही जारी नहीं करना है ठीक है दोस्तों और ये जो मुद्दा है किसने उठाया आपको बताया ये छप्पन सो वाली वैकेंसी आपने पढ़ ली है ये तो उनके प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है कि भैया ये जो नोटिफिकेशन निकाला है नया ये एक चुनावी पैतरा है ठीक है तो वो तो पहले आप समझ चुके थे भैया वो बर्तिया तो आपको खुद को भी ये चीज है जानकारी में लेकिन यहां पर लाइन लिखी है कि जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है जैसे हरियाणा पुलिस है ग्रुप छप्पन प्रक्रिया में चल रही है तो इनका भी रिजल्ट जो है रोकने की यहां पर बातें हुई है ठीक है यहां पे देखे दोस्तों तो भैया इसके लिए ना देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ध्यान से सुनना आपको बताया कि अक्टूबर में चुनाव है चार अक्टूबर को आपकी नई सरकार बनने वाली है दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है ग्रुप छप्पन का आ जाता है सत्तावन का आ जाता है हरियाणा पुलिस सारे रिजल्ट आ जाते हैं इंक्लूडिंग ग्रुप डी की भी लिस्ट आ जाती है और एक परसेंट हम मान लेते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो नहीं आती है सरकार बदल जाती है किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है तो दोस्तों आपको के लिए कम से कम से से तीन साल चक्कर काटने पड़ सकते हैं और इससे बड़ा सच ये है कि अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है कि उनका कुछ और एजेंडा हो वो इन भर्तियों को भी रद्द कर सकती है जो ग्रुप सी है क्योंकि सीटी ग्रुप सी ऑलरेडी आपको पता है कि कोर्ट का पेच यहां पे फंसा हुआ है कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट और आपको पता है कि वो जो अन्य पार्टियां ऑलरेडी कि हम तो सीटी को खत्म ही कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा आपके ऊपर संकट आ सकता है तो क्या कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हो दोस्तों कल सुबह दस बजे हां जी कल तारीख है दोस्तों चौबीस ठीक है चौबीस अगस्त दो को दस बजे सुबह आपको क्या करना है दोस्तों ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं ठीक है कुछ लोग मिलकर ट्विटर कैंपेन और ये आपके हित में है दोस्तों भैया एक बात बताओ रिजल्ट आ जाएगा जैसे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं मार्च में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी लेकिन अब तक उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए हैं अब चुनाव आचार शीतल लगी है कल को सरकार बदलगी तो उनको भी लटकना पड़ेगा उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट लेने के लिए और जब तक डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे सैलरी ठीक से नहीं आएगी दोस्तों बात आ रही समझ में वैसा ही हाल आपके साथ भी हो सकता है कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आ जाए फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए फिर दो साल तीन साल या अगली सरकार हो सकती है ये भर्ती भैया रद्द कर दो हरियाणा पुलिस के लिए जो ग्रुप छप्पन सावन है ये कैंसिल करो हम नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट कर करवाएंगे हम अपनी पॉलिसी लेके आएंगे तो दोस्तों नुकसान आपका होगा ठीक है तो इसलिए आपको अपने हक की लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी ताकि सरकार जो मौजूदा है वो इस चीज को संज्ञान में लेकर आए चुनाव आयोग से परमिशन ले कि भैया जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिनकी जिनका रिजल्ट बाकी है रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग भी दे रिजल्ट आ सकता है लेकिन ज्वाइनिंग में दिक्कत आ सकती है दोस्तों तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी तो कल सुबह दस बजे आपका

मतलब कंप्लीट होने के कगार पर है लेकिन यहां पे आके फंस भी सकती है तो आपको जागना पड़ेगा एकजुट होना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए कल सुबह दस बजे और ट्विटर जो है हैशटैग क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहां पर हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे आइए बात करते हैं आपका एग्जाम है पच्चीस तारीख को सबसे पहले तो आपका ध्यान होना चाहिए खाली एग्जाम पे रिजल्ट आएगा ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी वो अभी आपको दिमाग पर नहीं डालना है बस थोड़ा ध्यान रखना कि भैया ये भी आपके ही अक्की लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कल को रिजल्ट आ जाए फिर आप ज्वाइनिंग के लिए भटकते फिरो यानी आपकी ही नौकरी आपको ही ना मिले ठीक है दोस्तों तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखना लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना कि जो एग्जाम आपका होने वाला है क्या उसके लिए आपने तैयारी कर ली है ठीक है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स उम्मीद करता हूं आपने देखी होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर प्रिपेरअन आपको कर रहे होंगे ठीक है अब आते हैं जो आपका सेफ स्कोर रहेगा कि कितना स्कोर कर सकते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है तो ध्यान से सुनेगा दोस्तों पहले क्या होता था पहले जो हरियाणा पुलिस की पिछली हुई है जैसे मान लो वैकेंसी भैया पांच की मैं अगर बात करूं तो भैया पांच ही वैकेंसियां मान लो पहले भी पांच हजार थी जितनी बार वैकेंसी वैकेंसियां पांच ही रही हैं लगभग तो पहले क्या था था जो अपीयर होते थे ना बच्चे ठीक है जो पहले बच्चे अपीर होते थे एग्जाम में किसी में डेढ़ लाख हो रहे हैं किसी में दो लाख हो रहे हैं किसी में ढाई लाख ठीक है इस बार क्या है इस बार यह है कि भैया बीस हजार बच्चे ही एग्जाम में अपीयर होंगे ठीक है बीस हजार बच्चों का एग्जाम में बुलाया है अब इसमें से कितने बैठेंगे भैया अटेंड कितने करेंगे अटेम्प्ट देने वाले कितने होंगे तो मैं मान लेता हूं कि भैया नाइनटी परसेंट तो अठारह हजार के, के आसपास मैं मान लेता हूं कि दस परसेंट बच्चों का एग्जाम यूपी पुलिस का होगा तो उनकी तैयारी वहां अच्छी होगी या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ठीक है कोई बच्चा ऐसा होगा जो दिल्ली पुलिस में लग गया है कोई है, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस की भर्ती आज की थोड़ी है लेकिन वो आए होंगे पेस्ट देने के लिए बहुत सारे बच्चे अन्य डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि किसी के घर में फंक्शन हो सकता है कुछ दस परसेंट एबसेंट रहेंगे ठीक है? है दोस्तों हो सकता है ज्यादा भी रहे लेकिन अठारह हजार बच्चे मान लो पेपर दे रहे हैं तो कहां पहले भैया लाख डेढ़ लाख दो लाख बच्चों के बीच में पांच हजार में आना था और अब आपको खाली अठारह हजार में से पांच हजार में आना है ठीक है दोस्तों अठारह हजार जो बच्चे हैं इनमें से आधे ऐसे हैं दोस्तों लगभग लगभग आधे ऐसे हैं जिनका सीटी स्कोर कम था जिनका नाम तीसरी लिस्ट में आया है चौथी लिस्ट में आया है ठीक है जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा हरियाणा का एग्जाम भी हो सकता है तो इनमें से आधे बच्चों का जो तैयारी है वो उस लेवल की नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी क्योंकि पहले एग्जाम में कम से कम दस पंद्रह बीस दिन का टाइम मिलता था हरियाणा पुलिस की ऐसे हुई है, पहले भी जल्दी हुई है लेकिन टाइम मिलता था। का, कई बच्चे तो के रिजल्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि आएगा तो पता लगेगा ना एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे तब हम तैयारी करेंगे तो वो भी एक फैक्टर है पहले क्या होता था दस दिन पहले आपको पहले जिस दिन पीएसटी हो रहा उसी दिन रिजल्ट आ जाता था तो जिस बच्चे को पता था कि मैं मैं पीएचटी पास कर चुका हूं वो उसी दिन से तैयारी करता था अब क्या है रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चों को दो तीन दिन किसी ने भैया कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने भैया जिस दिन हुआ, दिन हुआ उसी से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी तो मैं वही कह रहा हूं कि आधे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है दोस्तों ठीक है तो ले देख के अगर मैं कंपटीशन की बात करूं जो रियल कंपटीशन है ठीक है रियल जो कंपटीशन रहने वाला है वो दस हजार बच्चों के बीच में रहना इससे ज्यादा बच्चे नहीं ठीक है पांच हजार वैकेंसियां हैं इसके बाद तो रिजल्ट आएगा जो सिलेक्ट होगा उसकी ज्वाइनिंग ठीक है कोई अगला इवेंट थोड़ी बचा भैया मेडिकल करवाएंगे मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है दस हजार में से पांच हजार में आना है दोस्तों सेम चीज फीमेल के लिए भी लागू है फीमेल के लिए कोई अलग चीज नहीं है वही चार हजार लड़कियां बैठने वाली हैं उसमें से पैंतीस सौ के आसपास लड़कियां जाएंगे एग्जाम देने उसमें से भी आप मान के चलो पांच अब जिनका रिजल्ट एससी कैंडिडेट की जो लड़कियां हैं जिनको उन्नीस तारीख को पीएमटी के लिए बुलाया है ठीक है उन्नीस को नोटिस आया बीस को बुलाया है क्या उनकी तैयारी है नहीं है, उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा नाम आएगा ठीक है तो वही मैं आपको कह रहा हूं तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो रियल कंपिटिशन है एक सीट के लिए सिर्फ दो बच्चों के लिए और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो भैया बारह हजार कर लो तेरह हजार कर लो आपकी बात बड़ा कर लेते हैं तो एक सीट पे कितने दो से ढाई बच्चे पहले लाख डेढ़ लाख बैठते थे भैया एक सीट पे पचास बच्चों के बीच में कंपटीशन है साठ बच्चों के बीच में कंपटीशन अब कितना है सिर्फ दो या तीन यानी आपको अपनी एक सीट के लिए दस हजार को पीछे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बस आपको सिर्फ तीन बच्चों को पीछे छोड़ना है आपकी नौकरी पक्की पहले क्या होता था कि एक सीट के लिए पचास बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता अब क्या है खाली तीन या ढाई या दो बच्चे ठीक है तो उसी हिसाब से बता रहा हूं कि कितना स्कोर अगर आप कर देंगे तो नौकरी मिल जाएगी तो अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं दोस्तों अब कई बच्चे कमेंट करेंगे अभी पेपर तो हो दे अरे भैया पेपर होने के पेपर होने के बाद तो जय भूल जाएगी उसके बाद क्या कर लोगे पेपर हो ही गया तो उसके बाद क्या ही कर लोगे उसमें तो फिर ओ आपकी भरी गई वो तो आयोग तय करेगा कि आपका होना है कि नहीं होना लेकिन आप क्या कर सकते हो आप जाने से पहले माइंड लेके जा सकते हो कि यार इतना टारगेट मुझे लेके चलना है ताकि मेरी नौकरी पक्की हो सके बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रखना मैं ये कह रहा हूं कि जनरल कैटेगरी अगर मेल की बात करें तो अगर दोस्तों मेल की यहां पे लिख रहा हूं अगर आपका स्कोर मान लीजिए सड़सठ से सत्तर क्वेश्चन अगर सही कर देंगे तो नौकरी पक्की है आपकी ये आपको मैक्सिमम बता रहा हूं मैं मैक्सिमम सड़सठ से सत्तर ये इतनी ही कटो पहले रहा करती थी जब लाख डेढ़ लाख दो लाख बच्चे जब एग्जाम में अपेयर होते थे तब इतना स्कोर रहता था तब भी नौकरी मिल जाती थी तो इस बार अगर आपने पैंसठ प्लस क्रॉस कर दिया जनरल कैटेगरी में तो नौकरी कोई रोक नहीं सकता और अगर मैं बात करूं फीमेल की तो फीमेल आपको बताए ज्यादा पीछे नहीं रहने वाली है लगभग लगभग तिरसठ से

तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा बहुत ज्यादा आसान नहीं आएगा इजी टू मॉडरेट पेपर मिलेगा तो अगर आप इतना स्कोर कर लेंगे इस रेंज में तो नौकरी आपकी पक्की है इसी प्रकार में बात करूं अगर एस कैटेगरी की बात करूं तो भैया साठ नंबर पर आपका सिलेक्शन है और एडब्ल्यू लगभग लगभग दोस्तों आपको पता है बीसीबी के बाद बराबर बासठ से तिरसठ क्वेश्चन ठीक है अब मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि भैया एडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले पचास क्वेश्चन ठीक कराना आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं मैं आपको बता रहा हूं सेफ स्कोर कि इतना टारगेट लेके चलना इसको अचीव कर लिया तो नौकरी कोई हिला नहीं सकता आपकी ये कह रहा हूं मैं बाकी तो हो सकता है साठ में भी सिलेक्शन हो जाए वो तो डिपेंड करेगा कि कितना लेवल आ रहा है बच्चों पेपर का किस प्रकार का बच्चों ने स्कोर किया वो तो डिपेंड करेगा पेपर के बाद वो होती है कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं सेफ स्कोर कि इतना टारगेट लेके चलना है इतना अगर आपने स्कोर कर दिया तो नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सकोर नहीं है इस बात का ध्यान रखिए ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी गाइडेंस आपको मिली होगी जो दिमाग पर प्रेशर है वो आपका हट चुका होगा और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा कि ये जो मैंने स्कोर बताया इससे भी आप एक एक नंबर कम कर सकते हो इतना तो टारगेट रखना चाहिए कहीं ये ये सोच के मत जाना कि 60 नंबर पे सिलेक्शन ले लेंगे ना भाई दस हजार में से भी आपको आगे आना है कंपटीशन यही है ठीक है दूसरों को मूर्ख मत समझना कि भैया इसको कुछ नहीं आता किसकी कहा किस्मत चमक जाएगी ठीक है ये किसी को नहीं पता ठीक है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए और कल सुबह दस बजे ट्विटर कैंपेन में थोड़ी देर के लिए भाग जरूर लीजिएगा ताकि आपके हित में जो आवाज है एक बुलंद तरीके से उठाई मतलब उठाई जा सके धन्यवाद जय हिंद